सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वहीं सीबीएसई बोर्ड 12वीं के छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हो चुका है, उनका रिजल्ट घोषित हो चुका है। तो बता दें कि अब जो 12वीं सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं, उनका इंतजार खत्म हो गया है। परीक्षा में 94.54% छात्राओं ने बाजी मारी है। मानविकी में अंशिका यादव को मिले 99% अंक, साइंस में प्रज्वल यादव को 98.8% अंक मिले हैं। तो वही इंतजार खत्म हो चुका है, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। परीक्षा में 94.54 छात्राएं 95.25% छात्र पास हुए हैं। मानविकी में अंशिका यादव को मिले 99%, साइंस में प्रज्वल यादव को 98.8% अंक मिले हैं। बच्चों में काफी उत्साह की लहर है, बच्चों में खुशी का लहर है। पास होने के बाद बच्चे अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं, छात्राओं ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। छात्रा ने इस सीबीएसई बोर्ड में भी लड़कियां आगे रही हैं, टॉपर्स की लिस्ट में भी लड़कियां आगे रही हैं। वहीं छात्रों ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट घोषित होते ही खुशी की लहर देखी जा सकती है छात्र छात्राओं में। उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी काफी खुश है। इस बार का रिजल्ट थोड़ा जल्दी घोषित कर दिया गया है, हालांकि 45 दिन लगते हैं, लेकिन इस बार मात्र 30 दिनों में ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट घोषित होने के बाद से ही जो छात्र छात्राएं हैं, वही हमारे साथ संवाददाता विभांशु आरएलबी स्कूल से छात्र छात्राओं के साथ जुड़ रहे हैं। विभांशु, किस तरह से पास होने का और अपने रिजल्ट का जश्न बना रहे हैं ये बच्चे? शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई बोर्ड के नतीजे आ गए हैं। वही आप तस्वीर में देख सकते हैं कि मैं इस वक्त आरएलबी स्कूल में हूँ, जहाँ आरएलबी के विभिन्न ब्रांचों के जो टॉपर्स हैं, यानी कि लगभग 200 से ऊपर जो छात्र हैं आरएलबी के, वो लगभग 90% से ऊपर नंबर पाए हैं। उसी क्रम में आप देख सकते हैं कि तस्वीर में जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको स्कूल में बुलाया गया है और स्कूल के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही साथ उनके चेहरे की मुस्कान को आप देख सकती हैं कि वो जो आज का दिन है, साथ ही साथ उनकी जो मेहनत है वो रंग ले आई है और इनके साथ जो शिक्षक मेहनत करते रहे हैं उनका भी नतीजा है कि ये छात्र आज अव्वल दर्जे से पास हुए हैं। उसी क्रम में यहाँ शिक्षक भी हैं और उनके अभिभावक भी हैं। अभिभावकों के साथ तो भारी संख्या में छात्र भी मौजूद हैं। अब छात्रों से भी बात करेंगे, साथ ही साथ अभिभावकों से भी बात करेंगे और यहाँ मौजूद सभी लोगों से बात करेंगे कि आखिर जो ये रिजल्ट है वो इनके क्या मायने रखता है। उसी क्रम में हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बता दें। कितने फीसदी नंबर मिले आपको? अच्छा, 94%। आप 95% नंबर पाए हैं, एक बढ़िया नंबर होता है ये, किसको श्रेय देंगे इसका? मेरे सारे टीचर्स, फ्रेंड्स, सबसे बड़ा तो पेरेंट्स हो जाता है। पेरेंट्स हो जाता है। आगे चल के क्या करना है? आगे चल के मैं लॉ के लिए जाऊंगी एंड आई वांट टू बी द चीफ जस्टिस। वन जी, आप अपना नाम? कीर्ति कांगड़ा। 93%। अच्छा, ये बताए कोविड काल रहा, बिना हमारी हुई थी सर जी, एक तो हमारी टीचर्स बहुत सपोर्टिंग है, हमारे स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है। कोरोना के टाइम पे भी ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर थी तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई और पूरा सारा श्रेय सक्सेस का हमारे टीचर्स को जाता है और हमारे स्कूल को ही जाता है। तो पिछला आपने देखा कि हमारे साथ टॉपर्स थे जिनका साफ तौर से कहना है कि जो कोविड काल के दौरान क्लासेज नहीं चले उसमें जो शिक्षकों का जो तालमेल था छात्रों के साथ और उन्हें स्टडी मटेरियल मुहैया कराने का काम था वो बेहतर ढंग से हो पाया कि आज ये जो छात्र है वो अव्वल दर्जे से पास हो सके हैं। वहीं इसी क्रम में पिछला आपको बताएं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में जो छात्राएं हैं वो 94% लगभग पास हुई है। वहीं अगर बात की जाए छात्रों की तो छात्र लगभग 92% पास हुए हैं। और वही अब देख जी जी विभांशु, जो इनके अभिभावक है साथ ही साथ जो इनके टीचर्स हैं उनका क्या कहना है? टीचर क्या कुछ श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि इस बार बच्चों के लिए काफी अच्छे इंतजाम भी किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो जो इनके टीचर
का क्या कहना है? जी बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि ये छात्र जो है कैसे पास होने के बाद जश्न मना रहे हैं और यहाँ तमाम तरह के जो स्लोगन होते हैं वो बोले जा रहे हैं। साथ ही साथ ये छात्र अपने शिक्षकों को शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपके बदौलत हम इस मुकाम को हासिल कर सके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर देखा जाए तो भारी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद है। आप ठीक सामने देख सकती है कि छात्र मौजूद है। छात्रों को स्कूल प्रशासन की तरफ से माला पहनाया गया है, उनके स्वागत के लिए उन्हें माला पहनाया गया है। साथ ही साथ अब उन्हें जो छात्र टॉप किए हैं उन सभी को मीडिया से रूबरू है। उसी क्रम में हमारे साथ मैम आप एक टीचर हैं या गार्जियन? अच्छा आपकी आप अपने बच्ची के साथ आई होंगी या बेटे के साथ आई होंगी, वो भी अच्छा नंबर पाया होगा, क्या कहेंगे उसके उसके? अच्छा आप उसे स्कूल तैयार करके भेजती होंगी, टिफिन तैयार करती होंगी, तो क्या आशा अपेक्षाएं लगाए बैठी थी अपने बच्चे की? अच्छा बने, वो अच्छे मार्क्स लाए। क्योंकि आपकी बेटी अगर यहाँ हो तो आप बुलाए, तो इनकी बेटी भी यहाँ मौजूद है, हम चाहेंगे कि आप आए और हमसे बात करें। बेटा आप अपना नाम बताएं और कितने सीट नंबर मिले आपको? 97। अच्छा हमें ये बताएं कि आप 97 सीट भी पाई है, ये अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा नंबर होता है, किसको श्रेय देंगी और कैसे तैयारी की आप? क्योंकि कोविड काल के दौरान 11वीं की कक्षाएं नहीं चली, उसके बावजूद आपने 97.5% नंबर पाया, क्या कहेंगे? उस सेल्फ स्टडी को आप पूरा श्रेय देंगे, आगे चल के क्या करना है? अच्छा आप इनको तैयार करके भेजती होंगी स्कूल, तमाम चीजों को आप देखती होंगी, तो क्या आशा अपेक्षा थी आपकी कि आपकी बेटी, आपको क्या पता था शुरू से ही टॉपर रही है या इस बार जो कोविड काल में घर से बैठ के सेल्फ स्टडी की है उससे इनके नंबर आ रहे हैं? अब 97% बेटी पाई है, तो कैसा महसूस कर रही है और आगे इसके लिए क्या करेंगे? बहुत अच्छा। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामना आपके भविष्य के लिए। आप देख सकती हैं यहाँ पिछला की साफ तौर पर जो बच्चे हैं उनके चेहरे पर मुस्कान है, साथ ही साथ जो गार्जियन है उनके भी चेहरे में मुस्कान देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये जो छात्र नंबर ले आए हैं इससे इनके जो भविष्य है वो उज्ज्वल दिख रहे हैं। साथ ही यहाँ आप देख सकती हैं कि हर एक चाहे बात की है तो 12वीं के छात्र छात्राएं मौजूद हैं, उसी क्रम में स्कूल के प्रधानाचार्य भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम यहाँ अभिभावक आए हैं उनसे भी बात करेंगे, उसी क्रम में हम कुछ और छात्रों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर इनकी तैयारी कैसे हुई। सबसे पहले बेटा अपना नाम बता दें, कितने नंबर आपको मिले? कितने? 92%। अच्छा ये बताएं कि 94% आपको नंबर मिले हैं, किसको श्रेय देंगी और आपने कैसे 94% तैयारी की? क्योंकि कोविड काल के दौरान क्लासें नहीं चल रही थी तो उस समय कैसे गाइड किया स्कूल के जो अभी कैसे? सबसे पहले मैं इस बात से अपने मम्मी पापा, अपने टीचर एंड अपने ऑल मेंटर्स को देना चाहूंगी। और कोविड ईयर में बहुत डिफिकल्ट रहा था, हमारे यूनिवर्सिटी में फोर्टी ने पूरा हमें सपोर्ट किया, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं है और हम लोगों ने पूरी मेहनत से उसी मेहनत से पढ़ाई की, पूरी मेहनत से हमने ऑफलाइन में पढ़ाई की थी तो इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई। और अपना नाम बताएं और हमें ये बताएं कितने फीसदी अंक आपको प्राप्त हो रहे हैं? अच्छा 97% आपको मिले हैं। आप मैथ से थे या बायो या कॉमर्स? पीसीएम से, मैथ से। आगे चल के क्या करना है? इंजीनियरिंग करना है। अच्छा इस आपने जो नंबर पाया है वो अव्वल दर्जे का है, तो किसको श्रेय देंगे और कैसे तैयारी करेंगे? लोगों को क्या संदेश देंगे जो आपको जूनियर्स है? कोविड काल के दौरान क्लासें नहीं चली, 11वीं की क्लास आपने घर से किए थे, सेल्फ स्टडी किए थे, तो उसमें किस तरह से तैयारियां की और स्कूल से कैसा तालमेल उस समय था? स्कूल वाले तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं,
शुभकामनाएं आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो पिछला आपने देखा कि यहाँ तमाम जो छात्र है वो 97 से लेकर और 98 और तमाम जो टॉपर है वो भी वहाँ मौजूद है, और इसी क्रम में हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है इन बच्चों के जो रिजल्ट आए हैं। और ये अगर बात की जाए रानी लक्ष्मीबाई स्कूल की तो लगभग 200 से अधिक छात्रों ने लगभग 90% से ऊपर नंबर पाए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आगे के इनका सफर है वो कैसा रहता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इनकी जो तैयारियां थी विभांशु, कहीं ना कहीं बच्चों ने कोरोना के चपेट में आकर उनकी पढ़ाई भी काफी डिस्टर्ब हुई है, वो घर पे ही पढ़ रहे थे, स्कूल और ट्यूशन उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में विभांशु जो फोन मोबाइल और टैबलेट्स लैपटॉप से कितनी मदद मिली इन बच्चों को, हम चाहेंगे अब बच्चों से ये भी जाने, क्योंकि सरकार ने लगातार निरंतर प्रयास किया है कि बच्चों को डिजिटल माध्यम से उनको पढ़ाया जाए। कोरोना काल में उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी, उसके बाद तो मैं जाना अब बिल्कुल बच्चों से जाने कि डिजिटली कितना हेल्प मिला इनको मोबाइल लैपटॉप फोन से। जी जी अच्छा बेटा हमें ये बताएं कि कोविड काल के दौरान क्या फायदे मिले रिसर्च में? आपको कितने फीसदी अंक प्राप्त हुए हैं? 93.4% तो अगर देखा जाए तो क्लासेस नहीं चल रही थी तो मोबाइल फोन टैबलेट और लैपटॉप से आप लोग पढ़ाई कर रहे थे घर से बैठ के, तो किस माध्यम से पढ़ते थे उसके बारे में बताएं। और जो आपने नंबर पाया वो अव्वल दर्जे का है, तो आने वाले जो बच्चे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देंगे आने वाले जो आपके जूनियर थे उनको? बिल्कुल हमें डिसिप्लिन में पढ़ाई करनी है, बिल्कुल अपने ऊपर से कभी कॉन्फिडेंस नहीं करना है, हमेशा अपने ऊपर विश्वास करके। जी तो पिछला आपने सुना कि इसमें साफ तौर से छात्रा का कहना है कि आपको भी अलर्ट यानी कि पूरा इससे अलर्ट होकर पढ़ाई करना है और पूरे आपको एकाग्रता लाकर और इसमें पूरे ध्यान लगाना है। उसी क्रम में हमारे साथ एक और छात्रा है, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनके कितने फीसदी अंक आए हैं और इनकी तैयारी कैसी रही, और इनके जो माता पिता हैं वो भी हमारे साथ हैं। मैं अपने सहयोगी कहूंगा कि दिखाएं और इनके साफ तौर से चेहरों से आप देख सकती है कि अपनी जो बेटी का नंबर है उससे काफी खुशी इनके चेहरे पर दिख रही है। सबसे पहले बेटा अपना नाम बताएं, कितने नंबर आए आपके? 96% आए हैं। अच्छा बेटा हमें ये बताएं कि आपको किस तरह से तैयारी की और कोविड काल के दौरान जहां आप लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से पढ़ रहे थे तो उससे कितनी मदद मिली, और इस तैयारी जो आपने 98.6% नंबर पाए हैं इसका श्रेय किसको देती है? सर अपार्ट मेरे पेरेंट्स को आप आने वाले जो आपके जूनियर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक बहुत अव्वल दर्जे का नंबर पाए? सर यही कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहे और कभी भी किसी टेस्ट में अगर कम मार्क्स आते हैं तो डिमोटिवेट मत होइए, अगले टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करिए, अगर प्री बोर्ड में कम भी आते हैं तो बोर्ड मेन मोटिव है उसके लिए अच्छा करिए, चल के जा सकते हैं। सर अभी तो मैं बीएससी करूंगी, उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगी और देश की सेवा करूंगी। आपको अच्छा आप टिफिन तैयार करके देती होंगी, स्कूल के लिए तैयार करती होगी, और आपकी बेटी ने अब टॉप किया है, कैसा महसूस करिए और क्या? बहुत और आपकी आंखें की नम हां बहुत खुश है, खुशी से आंखें नम। अच्छा आप पापा हैं, इससे क्या कहेंगे, बेटी ने अव्वल दर्जे का नंबर पाया है और आज आप दोनों की आंखें नम है, उससे क्या क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा और ये मेहनत भी बहुत करती थी, हम लोग कॉपरेट भी करते थे, इसको पढ़ाते भी थे, कोचिंग भी करती थी, ऑनलाइन थोड़े बहुत क्लासेस ले लेती थी। हमारी इच्छा है कि ये देश की सेवा करने के लिए बीएचयू जाए और बीएससी करे, बीएससी से एमएससी करे, उसके बाद सिविल सर्विसेज अपना क्रास करे और कर लेगी, मुझे लग रहा है। बहुत मेहनत करती है अपने आप, इसको कहना नहीं पड़ता, पढ़ने के लिए खुद पढ़ती है, बहुत मेहनत करती है। बहुत अच्छा लगा,
और सीबीएसई ने भी अच्छे समय पर रिजल्ट दिया, अचानक दे के चौंका दिया, कोई अनाउंसमेंट नहीं, अचानक रिजल्ट दिया, स्कूल से फोन आया, आधे घंटे में तैयार होके आना पड़ा। बहुत 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 खुशी का दिन है आज तक। तो पिछला आपने देखा कि जो मेरे साथ गार्जियन थे उनकी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि उनकी बेटी ने अव्वल दर्जे का नंबर पाया है, और साथ ही साथ ये खुशी के आंसू आपने कैमरे पे देखा। जी विभांशु, एक चीज और आपने अभी सुना कि पेरेंट्स का ये कहना है कि जनरली 45 डेज में सीबीएसई के रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन इस बार 30 डेज में ही रिजल्ट आ गए, रिजल्ट अचानक से घोषित हो गया, इतनी मुश्किलों के बाद भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स थे, उसके बाद जल्दी ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया, इस पे क्या कुछ कहना है, क्या राय है आपकी इस पर? जी बेशक, कृष्णा आपको बताएं कि जहां अभी मैंने गार्जियन से बात की और साथ ही साथ सीबीएसई की तरफ से एक चौंकाने वाला फैसला आ जाया कि एक निर्देश आया कि आप सीबीएसई के रिजल्ट आ रहे हैं। महज अगर देखा जाए तो सीबीएसई के रिजल्ट एक लंबे समय के बाद आते थे, और कोविड काल की अगर देखा जाए तो जो चक्र था वो जून और जुलाई में आते थे जो रिजल्ट, वो इस बार माना ये जा रहा था कि आगे चल के आएंगे, मगर सीबीएसई की तरफ से आदेश आता है कि रिजल्ट आ जाएगा। और साफ तौर से आपने सुना गार्जियन से कि उनकी तरफ से कहा गया कि आधे घंटे पहले स्कूल से फोन आता और कहा जाता है कि आपकी बिटिया का रिजल्ट आ रहा है, और आपने देखा कि कहीं ना कहीं ये गार्जियन और जो स्कूल के बच्चे हैं उनके चेहरे पे मुस्कान लाने वाला ये आदेश रहा है। जी बिल्कुल विभांशु, इससे स्टूडेंट्स को भी काफी फायदा मिलेगा, उन्हें 12th का जो स्टूडेंट है उनको आगे बड़ी यूनिवर्सिटीज में अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए आगे अप्लाई करना होगा, सारे फॉर्म्स आएंगे, कहीं ना कहीं सत्र अब जल्दी से शुरू हो जाएगा और बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजों में जाके अपने भविष्य के लिए पढ़ाई करेंगे। बात करें स्टूडेंट से विभांशु। जी हम बेशक कुछ और अभिभावकों से बात करेंगे और उनके बच्चों से बात करेंगे कि आखिर क्या अपेक्षा रही। मैं आपसे चाहूंगा कि आप भी फ्रेम में खड़े रहें, सबसे पहले बेटा आप अपना नाम बता दें और हमें ये बताएं कि आपके कितने अंक प्राप्त हुए हैं। 93% अच्छा, ये हमें बताएं कि आगे चल के क्या करना है, और जो 93% आपने पाया है इसका श्रेय किसे देंगे? मैं अपनी मम्मी पापा को देना चाहती हूँ। जी अच्छा, आप इनके पिता हैं, आप इनको स्कूल छोड़ते होंगे, तमाम जो किताबें होती हैं ड्रेस होते होंगे वो दिलाते होंगे, आज आपकी बेटी ने टॉप किया है, क्या कहेंगे? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और हम चाहते हैं मेरी बेटी आई एस सी मेरा नाम कार्तिक अग्निहोत्री है और मुझे 94.6% इस बार प्राप्त हुए हैं। श्रेय देंगे और आगे चल के आप क्या करना चाहते हैं? मैं आगे चल के मेडिकल करना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और मेरे जितने ही मार्क्स आएंगे मैं अपने पापा और जितने भी टीचर्स हैं उन सबको अपना ये पूरा श्रेय देना चाहूंगा, उनकी वजह से मैं इस तरह जा पाया हूँ, इसलिए उनको थैंक यू मिलेगा। मेरे बेटे ने IIT में क्वालिफाई कर लिया, 95% मेडिकल में, बेटिंग में, हो सकता है एक साल हो जाए, नहीं होता तो बच्चा अगर IIT में जाएगा तो अगर मेडिकल में जाएगा तो बच्चे। अच्छा, कैसे आप इन्हें तैयार करते, स्कूल भेजते थे, साथ ही साथ कैसे इनको गाइड करते थे? क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, अपने मेडिकल वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा इसका भी थोड़ा जी शुभकामनाएं आपको। तो सिस्टर आपने देखा कि यहाँ विभिन्न बच्चों से हमने बात किया, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं वो इसलिए अपने गार्जियन और स्कूल के अध्यापकों को दे रहा है, साथ ही अगर बात की जाए तो अधिकांश बच्चे सिविल सर्विस और देश की सेवा में काम करना चाहते हैं। जी बिल्कुल विभांशु, कहीं ना कहीं इस बार सीबीएसई ने भी रिजल्ट देकर चौंका दिया, और बेहतर है कि स्टूडेंट्स अब अपने आगे की पढ़ाई के लिए
अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर पाएंगे। फिलहाल आप बने रहिए स्टूडेंट्स के साथ, इनसे बातचीत करते रहिए और आप बिल्कुल जानिए कि स्टूडेंट्स आगे फ्यूचर में और क्या कुछ करना चाहते हैं। और इन बच्चों ने काफी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया विभांशु। तो आपने देखा कि किस तरह से स्टूडेंट्स में काफी उत्साह देखने को मिला है। स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके जो अभिभावक है वो भी अपने बच्चों के रिजल्ट से बहुत खुश है और कहीं ना कहीं सभी इस बार गवर्नमेंट को भी सराह रहे हैं कि जिस तरह से हमेशा जो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा समय लेकर के आता है, लेकिन इस बार मात्र 30 दिनों में ही सीबीएसई का रिजल्ट आ गया। इससे पेरेंट्स काफी खुश है, बच्चों को उनका रिजल्ट मिल गया, वो आगे की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अच्छे यूनिवर्सिटीज में कर पाएंगे। और इन सभी बच्चों को प्राइम टीवी की टीम की तरफ से भी उज्जवल भविष्य की और जीत की बहुत सारी शुभकामनाएं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।